लगाओ यहाँ। लैपटॉप हनुमान प्रभु पर हनुमान प्रभु को बता दीजिए। दोनों लगा हुआ है क्या? कैसे करेंगे? ये क्या है? साउंड वाला है क्या? उसके ये वीडियो तो कैमरा वीडियो आ रहा है। यस। नहीं रहे तो हरे कृष्णा। कोई रिबोटी कोई हाथ उठाए हुए हैं, कौन है? इसमें ईयरफोन लगाना पड़ेगा, नहीं तो या तो आपको उस माइक को ऑन करना पड़ेगा। अगर कोई कुछ बोलेगा तो कैसे पता चलेगा मुझे? नहीं, उसमें उसका उससे आता है आवाज, तो आज नहीं आ रहा है। हरी बोल, हरे कृष्ण विद्वान प्रणाम, क्या सुन पा रहे हैं? इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा उधर आवाज। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है मेरे को। सत्य भानु प्रभु, कहीं पे कोई हरे कुछ। कृष्ण, आप मुझे वहां से थोड़ा हरे सेटिंग कृष्णा। देखना पड़ेगा, यहाँ से ठीक है, वहां से उन्हें थोड़ा सेटिंग इसमें चेक नहीं, करना इसमें पड़ेगा। इसमें ये हाँ आवाज नहीं आ रहा है। पहले आप लोगों सबको चाहिए। मेरी आवाज आ रही है? यस प्रभु जी, क्लियर। दोनों तरफ से नहीं होती तो मोनोटोनस लगता है। हरे पर मुझे आप अपने स्पीकर, कृष्णा। मैं श्याम प्रभु, आप हनुमान प्रभु को बता दीजिए एक बारी, स्पीकर बटन पे क्लिक करके स्पीकर सिलेक्ट कर लें। उनको कॉल कर दीजिए, वो नहीं सुन पा रहे। ओके, अभी हम लोग सुन रहे हैं प्रभु जी का आवाज। प्रभु जी चालू करें। हरे कृष्णा। सत्य भानु प्रभु, हरे कृष्ण, यस प्रभु जी, साउंड आ रहा है प्रभु जी। इसमें क्यों नहीं आ रहा? इसमें नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा अभी तो। नहीं, इसमें से भी नहीं आ रहा है आवाज अभी। अब बोलिए थोड़ा सत्य भानु प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? हरे कृष्ण, मुझे सत्य भानु प्रभु की आवाज नहीं आ रही है, इसलिए अब बोलिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? ठीक अब आ रही है। थैंक है प्रभु जी, हरे यू। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले।
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामे नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज इस प्रवचन सत्र में उपस्थित आप सभी भक्तों का स्वागत है ऑनलाइन सेमिनार। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो भले से इस हर गुरुवार के इस प्रवचन में आ रहे हैं कई भक्त बहुत पहले से, तो उनको पता है, लेकिन जो पहली बार आ रहे होंगे उनकी सूचना के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर गुरुवार को हमारा ये कार्यक्रम होता है ऑनलाइन, और 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक चलता है। तो अभी हम लोग इस कार्यक्रम में चैंटिंग के ऊपर चर्चा कर रहे हैं ना, आर्ट ऑफ चैंटिंग, कि भगवान के नाम का जप करने की कला, भगवान का नाम जप क्यों करना है, उसकी क्या महिमा है नाम जप की महिमा, और नाम जप कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए ना, कैसे हम भगवान का नाम लें जिससे कि हमको उसका पूरा लाभ हो, और नाम तत्व के ऊपर भी चर्चा करनी है। तो ये प्रसंग अभी चल रहा है हरि नाम जप की महिमा। पिछली बार तो पकड़ लिया था। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस आवाज आ रही है? तो प्रभु जी, क्लियर क्लियर। इस विषय पर चर्चा चल रही है, उसमें हमने पिछले प्रवचन में 10 नाम अपराध की चर्चा प्रारंभ की थी। तो अगर हम नाम जप करते हैं और साथ में अगर हम अपराध भी करते हैं, 10 नाम अपराध हैं, तो उसको हम बोलते हैं नाम अपराध। तो जब कई बार भक्त लोग कहते हैं कि मैं तो नाम जप करता हूँ लेकिन उसका पूरा लाभ क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि नाम जप केवल करने से पूरा लाभ नहीं मिलता है, बल्कि नाम जप में 10 प्रकार के अपराध होते हैं। अपराध मुक्त, अपराध शून्य हो ये लौवे कृष्ण नाम। कृष्ण नाम लेना है अपराध से शून्य होकर, अपराध से मुक्त होकर कृष्ण नाम लेना है, तो इसलिए तब जाके पूरा लाभ होगा। तो नाम, नामाभास, नाम अपराध और नामाभास, 3 अवस्थाएं हैं नाम जप। पहला अवस्था क्या है? नाम अपराध। दूसरा अवस्था क्या है? नामाभास। और तीसरा अवस्था क्या है? शुद्ध नाम। इसकी चर्चा हो चुकी है। अब नाम अपराध क्या होता है कि नाम जप करते हैं और साथ में 10 प्रकार के अपराध भी करते हैं, तो उन अपराधों से मुक्त कैसे हुआ जाए उसके ऊपर चर्चा चल रही है। उससे पहले, मुक्त होने से पहले हमें जानना है ये 10 प्रकार के अपराध कौन कौन से हैं और कैसे उनसे छुटकारा मिल सकता है।
क्या करना चाहिए जिससे हम उन अपराधों से बच सकें, और अगर गलती से वो अपराध हो गया तो फिर कैसे क्या करें जिससे कि हम उससे मुक्त हो सकें। तो उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो 10 नाम अपराधों में जो सबसे पहला अपराध है वो है वैष्णव अपराध, साधु निंदा। कि वो भक्त जो भगवान के नाम की महिमा को पृथ्वी पर प्रचार कर रहे हैं, जो भक्त बद्ध जीवात्माओं के उद्धार कर रहे हैं, इस संसार में माया के प्रभाव में दुखी जीवों को दुखी से सुखी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, ऐसे महान संतों के प्रति दुर्भावना रखना और उनकी निंदा करना, उनका अपमान करना, इस को कहते हैं वैष्णव अपराध। और जो भी व्यक्ति वैष्णव अपराध करता है उसके ऊपर कभी भी भगवान की कृपा नहीं मिलेगी, चाहे वो कितना भी हरि नाम कर ले। ठाकुर नरोत्तम दास कहते हैं कि हरि नाम अपराधे तारे हरि नाम तुम आस्थाने अपराधे नाही परित्राण। कि अगर कोई व्यक्ति हरि नाम का जाप करता है तो भगवान के प्रति जो अपराध है वो हरिनाम करने से दूर हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति भगवान के प्रति अपराध करता है, हरि स्थाने अपराधे तारे हरिनाम, हरि स्थाने मतलब भगवान के चरण कमलों में अगर कोई अपराध करता है, भगवान के प्रति कोई अपराध करता है तो उसका परित्राण हो जाता है, उसका निदान हो, उसका समाधान हो जाता है, कैसे, नाम लेने से। किंतु अगर कोई भक्तों के वैष्णवों के चरण कमलों में अपराध करता है तो तुम्हारा स्थान अपराधे नाही परित्राण, तो उसका कोई निदान नहीं है, क्योंकि वैष्णव अपराध साधु निंदा ज्यादा खतरनाक है। तो पिछले सत्र में हमने चर्चा किया, इसके विस्तार से चर्चा किया था, इससे कैसे मुक्त होना है चर्चा किया था। आप लोग जो पहली बार आ रहे हैं उस प्रवचन को सुन सकते हैं। आज हम बाकी जो 9 अपराध हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं दूसरे अपराध से, सेकेंड ऑफेंस। सेकेंड ऑफेंस क्या है? तो यहाँ लिखा हुआ है सेकेंड ऑफेंस, दूसरा नाम अपराध। टू कंसीडर द नेम्स ऑफ डेमी गॉड्स लाइक शिवा और ब्रह्मा, टू बी इक्वल टू और इंडिपेंडेंट ऑफ द नेम ऑफ लॉर्ड विष्णु। ये सोचना कि जो देवता लोग हैं, ब्रह्मा शिव इंद्र आदि जो देवता हैं, ये इनका जो नाम है वो भगवान कृष्ण के या विष्णु के नाम के बराबर है, ये भी एक अपराध है। भगवान विष्णु का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, या काली माँ काली का नाम लो, दोनों बराबर है, नहीं, ये अपराध है। कृष्ण के नाम और देवताओं के नाम में अंतर है। तो जो दोनों को बराबर मानता है तो उसको अपराध लगता है। तो दोनों में क्या अंतर है, देवता में और भगवान में क्या अंतर है? कृष्ण जो हैं वो परम सत्य हैं, सबसे पहले ही इज द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ। और देवताओं के ऊपर प्रकृति के नियम लागू होते हैं, तीन प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव में कभी कभी आ जाते हैं, है ना, या कभी कभी स्वीकार करते हैं अपनी इच्छा से तीनों गुणों को, है ना। इज नॉट सब्जेक्ट, लेकिन कृष्ण जो है कभी भी प्रकृति मटेरियल वर्ल्ड के भौतिक संसार के गुणों के प्रभाव में नहीं आते हैं, ना ही इसके नियमों के अंतर्गत आते, उनके ऊपर कोई नियम नहीं है भगवान कृष्ण के ऊपर, है ना। तीसरा, भगवान कृष्ण ही एग्जिस्ट बियॉन्ड द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है। चौथा, ही इज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जगन्नाथ। कृष्ण क्या है, जगन्नाथ हैं, जगत के स्वामी हैं, जबकि देवता नहीं, देवता जगत के स्वामी नहीं है।
वो कृष्ण के सेवक हैं। भगवान कृष्ण का पांचवा विशेषता क्या है कि वो उनके उनका जो शरीर है वो भौतिक नहीं आध्यात्मिक है, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि से ऊपर है और शुद्ध सत्व में है। और छठा, गोलोक धाम में निवास करते हैं भगवान श्री कृष्ण जो वैकुंठ लोक है। और यहाँ तक कि भगवान कृष्ण जो हैं वो भगवान विष्णु के भी स्रोत हैं। विष्णुर सम महांस यस्य कला विशेष गोविंद महादेव पुरुषम तमम भजामि। यहाँ तक कि महाविष्णु भी गोविंद कृष्ण के एक अंश हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण इतने महान हैं, परम भगवान हैं, परम ईश्वर हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। वो परम ईश्वर है, उनको बाकी देवताओं से बराबरी करना ये एक अपराध है। वो भी एक देवता है, भगवान कृष्ण को देवता बोलना भी अपराध है। भगवान कृष्ण क्या है? परम ईश्वर है, परम ब्रह्म है, परम भगवान है, और बाकी लोग भगवान हैं, ईश्वर हैं। बाकी लोग ईश्वर हो सकते हैं लेकिन परम ईश्वर कृष्ण है। तो कोई बोलेगा इसका क्या प्रमाण है, कहाँ लिखा है ऐसा? जानना चाहते हैं आप लोग कहाँ लिखा है? अभी बताएंगे। देखिए तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य जय छेन चाहे तई छे करे नृत्य। श्री चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ में कृष्णदास कविराज गोस्वामी महान वैष्णव संत लिखते हैं कि एकले ईश्वर कृष्ण, कृष्ण एकमात्र ईश्वर हैं, बाकी जितने देवी देवता हैं सब भृत्य हैं। भृत्य का मतलब सेवक हैं, कृष्ण स्वामी हैं और बाकी सारे देवता सेवक हैं। और कृष्ण जैसे चाहेंगे वैसे उनको नाचना पड़ेगा, कृष्ण के इशारों पर उन सबको नाचना पड़ता है जितने देवता हैं। जैसे ना चाहे तैसे करे नृत्य। इसलिए देवता और कृष्ण में भेद है, दोनों को बराबर नहीं करने का। कृष्ण परम भगवान है और देवता लोग उनके सेवक हैं। उसी तरह से हैं बताया गया कि देवता लोग क्या हैं, वृक्ष के पत्ती फल फूल शाखाएं हैं, जबकि भगवान उस वृक्ष की जड़ हैं। और अगर जड़ में पानी डालेंगे तो बाकी पौधे पर हर जगह उसकी पत्ती, पौधे के फूल, पौधे के फल में, उस पौधे के तना में, उस पौधे की डालियों में, शाखाओं में, हर जगह जल अपने आप पहुंच जाता है, अलग से जल डालने की जरूरत नहीं है हर जगह। अगर आपको बोला जाए कि किसी पेड़ में पानी डालो तो आप कहाँ पानी डालेंगे? उसके फल में डालेंगे, फूल पे डालेंगे, पत्ती पे डालेंगे, कहाँ डालेंगे? जड़ में डालेंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि अगर हम जड़ में पानी डालेंगे तो बाकी जगह पानी वहां से पहुंच जाता है। तो मूर्ख व्यक्ति कहाँ डालेगा? इधर उधर डालेगा, जड़ में नहीं डालता है, एक अज्ञानी। उसी तरह से ये सारी सृष्टि है उसकी जड़ है भगवान श्री कृष्ण, यथा तरुण मूल निषेचने। तो जड़ में भगवान श्री कृष्ण को अगर हमने संतुष्ट कर दिया तो सारे देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। इस स्लाइड में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के अंदर 64 क्वालिटीज होती हैं, 64 गुण दिव्य गुण हैं। और भगवान नारायण के अंदर कितने? 60 दिव्य गुण हैं। भगवान शिव जी के अंदर कितने हैं? 55 दिव्य गुण हैं। और ब्रह्मा जी के अंदर 50 हैं। तो कृष्ण जो हैं 64, भगवान नारायण 60, शिव जी 55 और ब्रह्मा जी 50। तो इसके आधार पर हम देख सकते हैं कि कृष्ण में, भगवान नारायण में, शिव जी में और ब्रह्मा जी में क्या अंतर है। यहाँ बता रहे हैं द पुरुष अवताराज एंड द जीवाज Among which are the demigods obtain their qualities from Krishna.
इन द सेम वे एज एन इलेक्ट्रिक बल्ब रिसीव इट्स एनर्जी फ्रॉम द पावर स्टेशन। जितने पुरुष अवतार हैं, पुरुष अवतार कौन कौन है, तीन तीन प्रकार के पुरुष अवतार बताए गए हैं जिनको विष्णु कहते हैं। भगवान श्री विष्णु तीन रूप में उपस्थित हैं। पहला जो भगवान पुरुष अवतार है इनको कहते हैं महाविष्णु, या उनको कहते हैं कारणोदकशायी विष्णु। ये कहाँ निवास करते हैं, कारण समुद्र में निवास करते हैं। ब्रह्मांड के बाहर, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के बाहर कारण समुद्र है, उसी कारण समुद्र में सारे ब्रह्मांड बुलबुले की तरह, जैसे समुद्र के जल में बुलबुला होता है, बुलबुला ऐसे निकलता है, उसी तरह से कारण समुद्र में ब्रह्मांड बुलबुले की तरह निकलते हैं। उस कारण समुद्र में जो है महाविष्णु निवास करते हैं, उनको कारणोदकशायी विष्णु बोलते हैं। वो पहले पुरुष अवतार। फिर दूसरा, जितने ब्रह्मांड है उन सब ब्रह्मांडों के अंदर एक समुद्र है जिसको कहते हैं गर्भोदक समुद्र, उसमें दूसरे विष्णु है, गर्भोदक साई विष्णु निवास करते हैं। और उन्हीं गर्भोदक साई विष्णु के नाभि कमल से एक कमल का पुष्प निकलता है नाभि से, जिसके ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो वह है गर्भोदक साई विष्णु, जो दूसरे पुरुष अवतार है। और तीसरे पुरुष अवतार जो है वह है क्षीरोदक साई विष्णु। क्षीरोदक साई विष्णु जो क्षीर सागर में निवास करते हैं। आप सबने सुना होगा कि जब पृथ्वी पर असुरों का आतंक बढ़ जाता है, माँ पृथ्वी जब पृथ्वी का भार सहन नहीं कर पाती है तो गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास जाती है, और फिर ब्रह्मा जी सारे देवी देवताओं को लेकर क्षीर सागर की ओर जाते हैं, और क्षीर सागर के तट पर जाकर पुरुष सूक्त प्रार्थना के द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, उनका आह्वान करते हैं। तो वो कहाँ जाते हैं, क्षीरोदक साई विष्णु के पास, गर्भोदक साई विष्णु के पास नहीं जाते हैं। महाविष्णु के पास नहीं जाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्षीरोदक साई विष्णु जो क्षीर सागर में निवास करते हैं। तो वो जो पुरुष अवतार, तीन पुरुष अवतार हैं, गर्भोदक साई विष्णु, क्षीरोदक साई विष्णु, कर्णोदक साई विष्णु। और जितने जीव हैं, जीव मतलब जितने देवता या हम सब, सब लोग जीव बोला जाता है हमको, तो ये जितने लोग हैं, हम लोग के अंदर जितने भी गुण हैं, जो भी हमारे अंदर एबिलिटी है, क्षमता है, गुण है, टैलेंट है ना, सामर्थ्य है, ये सारा सामर्थ्य कहाँ से आता है, भगवान कृष्ण से आता है। केवल हमारा नहीं, देवताओं का भी, यहाँ तक कि पुरुष अवतार का भी सामर्थ्य जो किससे आता है, भगवान विष्णु कृष्ण से आता है। कैसे, जैसे एक बिजली का बल्ब होता है, उसकी बिजली की ऊर्जा कहाँ से आती है, पावर स्टेशन से आती है। हालांकि कोई बल्ब देखता है तो उसको पावर स्टेशन दिखाई नहीं देता, लेकिन हर व्यक्ति जानता है बल्ब जल रहा है तो कहीं कहीं पावर स्टेशन है जहाँ से पावर आ रहा है। उसी तरह से जितने विष्णु के जितने रूप हैं या देवताओं के जितने रूप हैं, उन सबको शक्ति कहाँ से आती है, शक्ति कृष्ण से आती है। हालांकि हो सकता है कि डायरेक्टली हम कृष्ण को ना देखें। इसीलिए गीता में भगवान इस बात को बताते हुए कहते हैं कि मतः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, हे धनंजय मुझसे बड़ा कोई सत्य नहीं है। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव, सारा सृष्टि मेरे ऊपर आधारित है, भले मैं उस मैं दिखता नहीं हूं, लेकिन समझ जाओ कि सब कुछ मेरे ऊपर आधारित है। कैसे, जैसे कि कोई मोतियों की माला अगर हम लेते हैं तो उसमें मोतियां दिखती हैं, लेकिन उसके अंदर जो धागा है, जो सूत्र है, वो दिखता नहीं है। दिखता नहीं इसका मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि धागा है नहीं, वो जो धागा है, जो सूत्र है, वही सारी मोतियों को पिरो कर एक सूत्र में बांध के रखता है, भले वो दिखे या ना दिखे। उसी तरह से जितने अवतार हैं, विस्तार हैं, जितने जीव हैं, वो सारे के सारे भगवान कृष्ण की शक्ति के द्वारा चलते हैं, उन्हीं से उनको शक्ति प्राप्त होती है। अब बता रहे कि डिफरेंस बिटवीन कृष्णा नेम एंड अदर नेम्स, भगवान कृष्ण के नाम में और बाकी देवी देवताओं के नाम में क्या अंतर है, क्या अंतर है, अंतर कैसे पहचाने, क्या अंतर है। करें कि कृष्ण का नाम, कृष्ण कृष्णाज नेम इज आइडेंटिकल विद कृष्ण हिमसेल्फ,
मतलब अगर हम कृष्ण का नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं तो कृष्ण ही का नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जैसे कि उदाहरण के लिए है ना, अगर हम पानी 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 बोलें उससे हमारी प्यास बुझेगी? केवल पानी 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 नाम बोलने से, पानी के नाम बोलने से प्यास नहीं बुझेगी। पानी नाम और पानी पदार्थ दोनों में अंतर है ना। पानी बोलेंगे तो पानी नहीं आज प्रकट हो जाएगा, ऐसा नहीं हो, लेकिन कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण बोलने से, कृष्ण नाम और कृष्ण व्यक्ति दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन देवताओं के केस में ऐसा नहीं है। अगर आप इंद्र 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 बोलेंगे तो वो इंद्र के बराबर नहीं माना जाएगा। तो ये पहला पॉइंट समझना है, ये अंतर है कृष्ण के नाम में और देवताओं के नाम में। तो इसलिए दोनों समान नहीं है, भगवान का नाम और देवताओं का नाम समान नहीं है। तो इस अपराध से कैसे बचे? अगर मान लीजिए कोई किसी ने अपराध कर दिया, कोई मान लिया कि नहीं देवताओं का नाम कृष्ण के नाम के बराबर है, गलती से हो गया अपराध, कैसे ठीक करें हम? सबसे पहले पश्चाताप करना चाहिए कि मुझसे गलती क्यों हुई, मैंने क्यों सोच लिया बाकी लोग का भी कृष्ण और बाकी देवता सब बराबर है। पश्चाताप, डिपेंड सिंसियरली, दिल से पश्चाताप करना। दूसरा, जप करने से, भगवान कृष्ण के नामों का निरंतर जप करने से हमको इस अपराध से छुटकारा मिलता है। और तीसरा, दोबारा ऐसा कभी अपराध नहीं करने का, आगे कभी फिर से गलती ना करें, ये मानने की देवताओं का नाम कृष्ण के नाम के बराबर है। तो इस प्रकार से दूसरा अपराध हम इससे बच पाएंगे। ठीक है, हम तो पहला अपराध क्या है? वैष्णव निंदा। दूसरा अपराध क्या है? भगवान कृष्ण के नाम को देव देवताओं के नाम के बराबर समझना या उसे स्वतंत्र समझना। तो दो अपराध, इन दोनों से बचना है हमें। और तीसरा अपराध क्या है? टू डिस ओबे द ऑर्डर्स ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। गुरु से हमको कई प्रकार के आदेश मिलते हैं, गुरु अगर हमको कोई आदेश देते हैं तो श्री गुरु के आदेश को हमें क्या करना चाहिए? गंभीरता से लेना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि भक्त लोग गुरु के आदेश को क्या करते हैं? गंभीरता से नहीं लेते हैं, उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, भूल जाते हैं, है ना? तो ये भी एक अपराध है। तो जब हम गुरु से मिलते हैं तो उनकी जो भी बात बोलते हैं उसको हमें गंभीरता से लेना चाहिए। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर जी क्या कहते हैं? श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा, बंदो मुई सावधान माते, बंदो मुई सावधान माते। कि सावधान मते, श्री गुरु के चरण कमलों को बहुत सावधानी से उससे व्यवहार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके चरणों में अपराध ना हो। तो जिस गुरु ने हमको, गुरु ही हमको क्या देते हैं? हरि नाम जप करने के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो अगर गुरु नाराज हो गए, गुरु अप्रसन्न हो गए, तो हम हरि नाम का लाभ नहीं मिलेगा। तो संप्रदाय विहीन जे मंत्रस्ते निष्फल मतः। अगर कोई व्यक्ति संप्रदाय से विहीन है, संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं है, उसके मंत्र जप का उतना लाभ नहीं मिलता है ना? इसलिए गुरु हमको संप्रदाय से जोड़ता है। इसलिए गुरु को, अगर गुरु का आदेश नहीं मानेंगे, गुरु अप्रसन्न हो गए, तो उसी समय हम संप्रदाय से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं।
जैसे यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्पिरिचुअल मास्टर ऑलवेज रिप्रेजेंट्स हिमसेल एज द हम्बलेस्ट सर्विटर ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, बट द डिसाइपल मस्ट लुक अपॉन हिम एज अ मैनिफेस्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड है, टू एनवी सच एन आचार्य, टू एनवी द पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड हिमसेल। मतलब कि भगवान जो गुरु होता है, वास्तव में जो गुरु श्री गुरु को हमें भगवान के दास होते हैं, लेकिन शिष्य को दास नहीं मानना है, शिष्य को उनको भगवान के रूप में ही उनकी सेवा करनी है। हाँ, गुरु अपने को भगवान नहीं मानता है, गुरु सोचता है कि मैं भगवान नहीं हूँ। कभी भी गुरु को अपने को भगवान नहीं मानना है, हमेशा ये सोचना है कि मैं भगवान का दास हूँ। लेकिन शिष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरु भगवान का दास, शिष्य को सोचना चाहिए कि भगवान के दास हैं लेकिन वो मेरे लिए वो भगवान ही है, भगवान के समान है। लेकिन गुरु को कभी ये गलती में सपने में भी नहीं सोचना चाहिए कि वो भगवान है। जैसे ही गुरु सोचता है कि वो भगवान है, उसका पतन हो गया। लेकिन शिष्य जो है गुरु को भगवान की तरह ही सम्मान देना है, उसी की तरह उनको पूजा करनी है। और अगर शिष्य ऐसा नहीं करता है, सम्मान नहीं देता है गुरु को, तो माना जाए कि वो आचार्य से क्या कर रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, ईर्ष्या। और गुरु से ईर्ष्या करना मतलब भगवान से ईर्ष्या करने के बराबर माना जाता है। इसलिए हमें गुरु की बातों को अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अब कैसे पहचानेंगे कि गुरु कौन है, सच्चा गुरु, उसके क्या लक्षण हैं? सबसे पहला, यही कृष्ण तत्व वेत्ता से ही गुरु है। गुरु का पहला लक्षण यह है, गुरु कृष्ण तत्व को जानता है। दूसरा, कृष्ण तत्व को जानना मतलब कृष्ण के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए, कृष्ण कौन है, कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला, भगवद गीता का ज्ञान होना चाहिए, पूरा कमांड होना चाहिए, वैदिक शास्त्रों के जो निष्कर्ष है उसको पता होना चाहिए ना गुरु को। दूसरा कि गुरु को अपने 6 वेगों पर नियंत्रण होना चाहिए। 6 वेग कौन कौन से? श्रील रूप गोस्वामी उपदेशामृत नामक ग्रंथ के प्रथम श्लोक में बताते हैं 6 गुण, 6 वेग। कौन कौन से वेग हैं? वाचो वेगम, मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान जो विसहेत धीरा, सर्वामपि मां पृथिवीं सशिष्यात्। 6 वेग इसमें वर्णन करते हैं। कौन कौन से? वाचो वेगम, वाणी का वेग, बोलते हैं जो, कंट्रोल, नियंत्रण में बोलना चाहिए, यानी कि जो भी मन में आया बोल दिया। गुरु को अपने वाणी पे नियंत्रण होना चाहिए, वाणी से केवल वही चीज बोले जो कृष्ण को आनंद दे, वो चीज ना बोले जो कृष्ण के लिए कष्टदायक हो, कृष्ण को जो अच्छा ना लगे ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए गुरु को। दूसरा, मनसह वेगम, मन, गुरु का मन जो है उसके वश में होना चाहिए, उसके नियंत्रण में होना चाहिए। तीसरा, मन के वेग को सहन करना चाहिए। तीसरा, क्रोध वेगम, गुरु अपने क्रोध के वेग को नियंत्रित करके रखना चाहिए, उसको सहन करना चाहिए। जिह्वा वेगम, जिह्वा वेगम मतलब टेस्टी खाने की लालसा, बहुत सुस्वादु भोजन खाने की लालसा। हाँ, सुस्वादु भोजन अगर मिल गया तो रिजेक्ट नहीं करता, उसको भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, लेकिन उसके पीछे नहीं भागता है, टेस्टी नहीं मिलेगा तो नहीं खाऊंगा, है ना, या क्रोध करता है कि आज प्रसाद बढ़िया टेस्टी नहीं है, ऐसे नहीं करेगा, है ना। और जीवा वेगम, उदर वेग, उदर मतलब बहुत ज्यादा खाना, जरूरत से ज्यादा खाना, जितनी आवश्यकता है उतना ही भोजन करता है, करता हो। और छठा क्या है? उपस्थ वेगम, उपस्थ वेगम मतलब काम वासना, सेक्स डिजायर, गुरु को सेक्स डिजायर से कंट्रोल होना चाहिए, है ना। तो ये 6 प्रकार के वेग जिसका नियंत्रित है वो ही गुरु बनने के लिए है। तो कैसे पहचानेंगे? तो इससे पता, कई बार हम देखते हैं गुरु जो है, कई गुरु हैं ऐसे,
जो बाद में सेक्स स्कैंडल में पकड़े जाते हैं, मीडिया में भी आता है, लाखों उनके शिष्य हैं, लेकिन बाद में क्यों? क्योंकि फिर उनको हम गुरु नहीं मान सकते। जो व्यक्ति अपने मन इंद्रियों को बस में नहीं कर पाएगा, वो गुरु कैसे माना जाएगा? तो गुरु को पहचानना चाहिए, गुरु बनाने से पहले एक शिष्य को जानना चाहिए कि गुरु के क्या लक्षण हैं, और जो जिसके अंदर वो लक्षण है उसी को गुरु बनाना है ना। और एक बार हमने किसी को लक्षण देव गुरु बनाया, तो अगर वो आदेश देते हैं कि कैसे हम भक्ति में एडवांस करें, तो उनके आदेशों की अवहेलना नहीं करनी, उनको गंभीरता से लेना चाहिए ना। अरे कि विदर ए ब्राह्मण ए शूद्र और ए हाउस होल्डर और सन्यासी, ही इज एबल टू लिबरेट द लिविंग एंटिटी फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। गुरु ऐसा नहीं कि केवल सन्यासी ही गुरु हो सकता, नहीं ना, एक शूद्र भी गुरु हो सकता है, कोई जो नहीं कि ब्राह्मण ही गुरु होगा, शूद्र भी गुरु हो सकता है ना, एक गृहस्थ भी गुरु हो सकता है, एक सन्यासी भी गुरु हो सकता है, बशर्ते कि उसके अंदर ये गुण हो। क्या पहला गुण? क्या उसको कृष्ण तत्व विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, और दूसरा उसके 6 वेग कंट्रोल होने चाहिए, नियंत्रित होने चाहिए। तीसरा, गुरु जो हैज रियलाइज द कंक्लूजन ऑफ द स्क्रिप्चर्स एंड कैन कन्वे देम टू अदर्स। केवल उसको थियोरेटिकल नॉलेज नहीं होना चाहिए गुरु को, बल्कि उसको उसका रियलाइजेशन भी होना चाहिए। वो उनको अब प्रैक्टिस करके, साधना करके, अभ्यास करके उन निष्कर्षों को सिद्ध कर चुका हो, है ना। तो ये गुरु के लक्षण हैं, और दूसरों को भी वो प्रदान कर सकता है ऐसे लक्षण। तो ये तीसरा गुण है गुरु का। चौथा गुण क्या है? ही इज फॉर्मली फिक्स्ड इन डिवोशनल सर्विस, ब्रह्मनिष्ठा एंड फॉर्मली सिचुएटेड इन स्पिरिचुअल लाइफ, ही इंड्यूसेस अदर्स टू गिव अप देयर मटेरियल लाइफ एंड बिगिन विद स्पिरिचुअल लाइफ। तो उसको पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए, ब्रह्म निष्ठा। ये नहीं कि आज जो है वो बहुत गंभीर भक्त है और 5 दिन के बाद जो है वो लूज हो गया, कमजोर हो गया, या छोड़ दिया, या उसका फिलॉसफी बदल गया, है ना। नहीं, पक्का एकदम एक निष्ठ है ना, उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होगा, उसकी निष्ठा कभी कमजोर नहीं होगी, उस स्तर पे पहुंच चुका है तब उसको गुरु माना जाएगा, है ना। और उसकी निष्ठा इतनी मजबूत होती है, इतनी मजबूत होती है कि हजारों लोगों को वो के अंदर निष्ठा डाल सकता है, उसको कहते हैं गुरु। और ये है पांचवा, छठा, कि ही इज एन आचार्य, टीचेज बाई हिज ओन एग्जाम्पल। गुरु केवल लेक्चर से शिक्षा नहीं देता है, बल्कि अपने आचरण से भी शिक्षा देता है। तो कितने हो गए? ये 6 क्वालिटी, ये 6 क्वालिटी जिसके अंदर है उसको गुरु कहा जाएगा, ये लक्षण है गुरु की। तो इसलिए शिष्य को गुरु बनाने से पहले ऐसा अपेक्षा किया जाता है कि वो चेक करे पहले, है ना, तभी गुरु बनाए। अब गुरु को कैसे सेवा करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए गुरु के साथ, कौन कौन सी चीजें हमें करनी चाहिए डूज, एंड कौन कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए गुरु के साथ, तो क्या करें? पहला चीज क्या है? वन शुड नॉट स्टेप ऑन हिज शैडो। गुरु की परछाई अगर बनी हुई है, उस पर पैर नहीं रखना चाहिए। गुरु पे पैर नहीं रखना ये तो है ही, उसकी परछाई तक भी पैर नहीं रखना, इस बात को समझिए, है ना। तो इसलिए गुरु के बगल में आप खड़े हैं तो सावधान रहिए, है ना। क्या अगर उनकी परछाई बन रही है और अगर आप उसके खड़े हो गए तो क्या होगा? ये अपराध हो जाएगा गुरु पर, इसलिए सावधान रहना चाहिए। रिगार्ड द गुरु एज एन ऑर्डिनरी पर्सन, गुरु को एक साधारण इंसान समझना कि मेरे जैसे ही है, शायद गुरु महाराज भूल गए होंगे, उनको शायद इतना उनको ज्ञान नहीं है, मुझे तो नहीं लगता है कि महाराज इतने एडवांस हैं, ऐसे सोचना ये भी अपराध है। वो तो साधारण ही है, साधारण नहीं समझना चाहिए। हम ये समझना चाहिए कि
कृष्णा हैज सेंट हिम टू द डिसाइपल एज हिज इटर्नल स्पेशल मास्टर। ये मेरे जन्मे जन्मे प्रभु से ही चक्षुदान मिले, ये केवल एक जन्म के नहीं कई जन्मों के मेरे गुरु हैं। इस प्रकार की भावना हमें रखनी चाहिए, है ना, और ये हमेशा उनकी पूजा, गुरु की पूजा, गुरु की उपासना करने का प्रयास करना चाहिए, है ना, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। दूसरा, उनके छाया पर नहीं पैर रखना चाहिए। तीसरा, वी शुड नॉट डिसरेस्पेक्ट द आर्टिकल्स यूज्ड बाय द स्पिरिचुअल मास्टर। गुरु, जैसे गुरु किसी सीट पे बैठा है, चेयर पे बैठा है, तो उस चेयर पे हमको नहीं बैठना चाहिए। हाँ, अगर वो आदेश देते हैं तो अलग बात है, उनके आदेश का पालन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन गुरु जो अगर कोई जूता पहनते हैं तो जूते को हमें नहीं पहनना है। गुरु किसी बिस्तर पे अगर सोए हैं तो उस पर हमें नहीं सोना है। गुरु ने अगर कोई कपड़ा यूज किया है तो उसको हमें नहीं पहनना है। तो इसको कहते हैं उनके द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं को हमें प्रणाम करना चाहिए, वो हमारे लिए पूजा की योग्य है ना। जैसे उनका सीट, उनका बेड, उनके जूते, उनकी गाड़ी भी यूज नहीं करनी चाहिए। ये भावना में जो उनकी गाड़ी में बैठ जाएंगे नहीं, और उनका जो स्नान किया हुआ जल उसे स्नान नहीं करना चाहिए, उसको माथे पे रखना चाहिए ना, उसको चरणामृत के रूप में लेना चाहिए ना? इस प्रकार से ना? ये सब चीजों से बचना चाहिए गुरु के साथ जब हम हैं तो। फिर दूसरा क्या, वर्शिप अनदर पर्सन इन हिज प्रेजेंस। गुरु की उपस्थिति में किसी और व्यक्ति को पूजा करना है, किसी और व्यक्ति का सम्मान करना है ना, पूजा नहीं करना चाहिए। अगला क्या है, गिव इनिशिएशन व्हाइल ही इज स्टिल अलाइव। ये सोचना कि मैं अब गुरु बन गया हूँ, गुरु के जीवित रहते हुए दीक्षा नहीं देने का। तो ऑफ कोर्स आप लोग जो भक्त हैं अभी तो दीक्षा देने योग्य नहीं है, फिर भी एक जानना चाहिए कि कोई व्यक्ति गुरु के जीवित रहते अगर उसका शिष्य कोई दीक्षा दे रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। तब कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। ट्राई टू इम्प्रेस अदर्स विथ वंस स्पिरिचुअल नॉलेज इन हिज प्रेजेंस। गुरु के सामने ही प्रवचन देना है ना, और उनको दिखाने का प्रयास करना कि मैं कितना बुद्धिमान और नॉलेजेबल हूँ, ताकि मेरे गुरु महाराज समझ जाए कि मैं भी कोई कम नहीं हूँ। तो ये भी क्या है, अपराध है, नहीं करना चाहिए ऐसे। गुरु के सामने हमें हमेशा एक मूर्ख जैसा रहिए, गुरु महाराज आपके सामने मैं क्या हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, जो भी है मेरे पास सब आपकी कृपा से है, और आप हैं मेरे प्राणनाथ हैं और कोई नहीं है। इस प्रकार से हम गुरु के हमेशा विनम्र सेवक के रूप में रहें। और अंतिम क्या है, ट्राई टू कंट्रोल हिम। कई बार शिष्य गुरु को अपने हिसाब से चलाना चाहते है ना, कि वही करें जो मैं बोल रहा हूँ, नहीं हमें वो करना है जो वो बोल रहे हैं, ना कि वो करें जो हम बोल रहे हैं। कई बार शिष्य डिक्टेट करता है गुरु को है ना, कि मेरे हिसाब से आपको डिसीजन देना है, मैं जो बोलूंगा उसके अनुसार बोलिए, ये भी एक अपराध है, तो कंट्रोल नहीं करना चाहिए। तो ये कभी तो चर्चा किया क्या क्या नहीं करना चाहिए, कैसा व्यवहार, क्या क्या नहीं करना चाहिए व्यवहार में। अब चर्चा करें क्या क्या व्यवहार करना चाहिए गुरु के साथ। तो पहला पॉइंट क्या है, द स्पिरिचुअल मास्टर शुड ऑलवेज बी वर्शिप बिफोर वन स्टार्ट्स टू वर्शिप कृष्णा। जब भी हम कृष्ण की पूजा करें, कृष्ण को पूजा करने से पहले गुरु को जरूर याद करें, उनकी पूजा करें। बिना गुरु के आदेश लिए हुए, बिना गुरु का आशीर्वाद लिए हुए हमें कृष्ण की पूजा डायरेक्ट नहीं करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेकर ही गुरु कृष्ण की पूजा करनी, तो कृष्ण हमारी पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरा, ही शुड बी ऑफर्ड ए नाइस सीट, शूज, गुड बेदिंग क्लॉथ एटसेट्रा। अगर गुरु आए तो उनको फर्स्ट क्लास का सारा फैसिलिटी व्यवस्था अरेंज करना चाहिए, है ना, थर्ड क्लास का आइटम नहीं देना चाहिए उन्हें।
देन विथ हिज परमिशन द डिटीज ऑफ श्री राधा कृष्णा कैन बी वर्शिप। उनके आशीर्वाद लेकर राधा कृष्ण की पूजा करो। फूड शुड बी फर्स्ट ऑफर टू द डिटीज एंड देन टू द स्पिरिचुअल मास्टर। जब हम भोग लगाते हैं तो पहले भोग को, पहले गुरु को नहीं भोग लगाना है, भले भगवान को भोग लगाना है फिर गुरु को भोग लगाना है ना। यानी कि भोग भी पहले गुरु को लगा दिया उसके बाद भगवान को, नहीं ठीक है। भोग में नियम अलग है। हाँ, गुरु का परमिशन लेना है भोग लगाने के लिए, उनका आशीर्वाद लेना है कि मैं, आप आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरी भोग को कृष्ण स्वीकार करें। फिर कृष्ण को भोग लगाना है, फिर उसके बाद बिना गुरु को भोग दिए फिर डायरेक्ट नहीं खाना है भोग लगा के, बोले गुरु को अर्पित करना है फिर खुद लेना है। व्हेनेवर एंड व्हेरेवर वन सीज हिज स्पिरिचुअल मास्टर ही शुड ऑफर हिज प्रोस्ट्रेटिव ऑब्लिगेशंस टू हिम विद प्रेयर। कहीं भी किसी भी जगह पे जैसे ही हम शिष्य को, गुरु को देखता है उसको तुरंत दंडवत प्रणाम करना चाहिए, और प्रणाम करते समय गुरु का प्रणाम मंत्र भी बोलना चाहिए। कई बार हम देखते हैं लोग प्रणाम तो करते हैं लेकिन गुरु मंत्र याद नहीं रहता है, तो गुरु का प्रणाम मंत्र भी उच्चारण करते हुए बोलना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, गुरु का नाम जो है बहुत ही आदर से लेना चाहिए ना? परम पूज्य शिला ना, यानी कि डायरेक्ट नाम नहीं ले, उससे बहुत आदर से लेना चाहिए गुरु का नाम। डिवाइन ग्रेस, अभय चरणारविंद, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद की। कितना लंबा है ना, इसको कहते हैं क्या कि बहुत महान आदर के साथ नाम दे रहे हैं, बहुत आदर। फिर हिज ऑर्डर्स आर नेवर टू बी डिसोबेड। अगर गुरु ने कोई आदेश दे दिया तो कभी उसकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। मैं बोल दिया वीटो लगा, नहीं ऐसे ही करना है, मैं बोल तो बहस नहीं करना चाहिए है, नहीं ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। ऑलवेज बी ईगर टू ऑनर हिज रेमनेंट्स। गुरु का जो महाप्रसाद है हमेशा लालसा रहनी चाहिए, थोड़ा मिल जाए गुरु महाराज का महाप्रसाद तो खा लें, मेरा सौभाग्य उदय हो जाएगा। तो इस तरह से हमें गुरु की उपासना करनी चाहिए, गुरु का से व्यवहार करना चाहिए। डू नॉट से एनीथिंग दैट इज डिसप्लीजिंग टू हिम। कुछ भी ऐसा मत बोलो या ऐसा मत करो जो जिससे गुरु को क्या हो, अप्रसन्नता हो, कभी ऐसा मत कीजिए। फिर फॉल हम्बली एट हिज फीट एंड बेग शेल्टर फ्रॉम हिम। कभी कभी उनके चरणों में गिर कर शरण की, उनके चरणों की शरण की भीख मांगनी चाहिए। हे गुरुदेव, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो यही दासे ऋण पे खायती ही ना, सकले सहन बल दिया करो निज मानस प्रिहाहिना, सकले समान करिते सकती देहो नाथ जथा जथा, तबे त गाइबो हरि नाम सुखे अपराध बेहत, कबे हे नो कृपा लभी आए जान कृतार्थ होइबो नाथ, शक्ति बुद्धि हीना आमी अति दीना करो मोरे आत्म सात, योग्यता बिछारे किछु नाही पाए
तुम्हारा करुणा सारा, करुणा ना होइले कांदिया कांदिया, प्राण ना राखी बुआर। ये गीत में है, पांच प्यार है इसमें। इसमें नरोत्तम दास ठाकुर जी का ने कहा है गुरुदेव से, कैसे कृपा की भीख मांगनी चाहिए। तो ये तो गुरु से कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए और गुरु से कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए गुरु के साथ और क्या क्या नहीं करना चाहिए, दोनों आपको बताया गया है। और ये बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है, हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमको ये सब ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग सब लोग एक बार श्रील प्रभुपाद जी को धन्यवाद बोलेंगे, श्रील प्रभुपाद की जय। इस प्रकार से ना? और अब प्रश्न उठता है कि इतनी महिमा जानने के बाद भी शास्त्रों ने गुरु को इतना महान बताया है, इनकी परिस्थिति को भगवान से तुलना की गई है, साक्षात हरित्वे न, साक्षात हरि ही समझना चाहिए गुरु को। गुरु जब आए तो यही सोचना चाहिए साक्षात भगवान आ गए मेरे साथ ना, इतना महिमा बताया गया गुरु को। और इतना सब सुन के जानने के बाद भी हम देखते हैं कि हम क्यों अपराध कर बैठते हैं गुरु को, क्यों हम साधारण मनुष्य मानने लगते हैं, क्यों हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, जब हम इतना सुनते हैं इतना जानते हैं उसके बाद भी। जानना चाहते हैं आप लोग क्यों है? सब जानते हैं, जानिया सुनिया भी सखाइनो, इसका कारण क्या है अभी हम चर्चा करेंगे ना? पहला कारण, कैसे हम इससे बच सकते हैं। पहला कारण है, द बेस्ट इज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द लेक्चर्स एंड स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शंस, नॉट ऑन द स्पिरिचुअल मास्टर्स फिजिकल अपीयरेंस। गुरु के बपू पे ध्यान नहीं देना चाहिए, किस पे ध्यान देना है, वाणी को। बपू को देख के उनके बारे में कोई भी ओपिनियन मत डेवलप कीजिए, उनका बपू उनका व्यवहार वो मत देखिए, जज मत कीजिए, क्योंकि हम उस स्तर पे नहीं है। फिजिकल अपीयरेंस, कैसे बोल रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे हंस रहे हैं, नहीं, हमें क्या देखना है, उनके लेक्चर्स उनका इंस्ट्रक्शन, उस पर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। बेस्ट बताया गया कि बेस्ट है कि उस पर हम फोकस करें, क्योंकि अगर हम उनको भौतिक दृष्टि से, उनके भौतिक कार्यकलापों को भौतिक नज़र से देखकर जज करेंगे उनको, तो इसके कारण अपराध होने लगता है ना। भौतिक दृष्टि से नहीं देखना है, गुरु महाराज ने उनको ये बोल दिया, मेरे को ये बोल दिया, है ना। तो ये देखना है कि आपको उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, लेक्चर्स में वो क्या बता रहे हैं, उसको ध्यान से सुनना और उसका पालन करना चाहिए। दूसरा, क्यों करते हैं ऐसे अपराध, गुरु अपराध, उसका कारण यहाँ बता रहे हैं। दूसरा कारण, ए डिसाइपल शुड एक्टिवली सीक हिज प्लेजर इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग न्यूट्रल। तो गुरु को के सामने शिष्य को न्यूट्रल नहीं रहना, उदासीन नहीं बने रहना चाहिए, बल्कि प्रोएक्टिव रहना चाहिए। प्रोएक्टिव का मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाहिए उनको प्रसन्न करने के। ठीक है, खुश ना भी रहे तो क्या करें, क्या कर सकते हैं, खुश हो या ना हो, क्या क्या करूं, ऐसे नहीं सोचना चाहिए हमें, बल्कि डिलिबरेट अटेम्प्ट करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, कुछ ऐसा करें जिससे हमारे गुरु प्रसन्न हो। ठीक है, तीसरा, अदरवाइज ही रन्स द रिस्क ऑफ डिसप्लीजिंग हिम बाय हिज कम्प्लेसेंसी एंड इनअटेंस। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो अगर हम विशेष रूप से ध्यान पूर्वक कुछ प्रयास नहीं करते हैं, कुछ ऐसा उपाय नहीं करते हैं जिसे हम गुरु को प्रसन्न कर सकें, एक्स्ट्रा इंडेवर नहीं करते हैं,
एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करते हैं गुरु को प्रसन्न करने का, तो इसका मतलब हम क्या है, उदासीन है। और उदासीनता से फिर क्या होगा, सत्रा बना रहेगा ना, कि वो नाराज हो जाएंगे। देखिए अरे मैं आया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आ जा रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है? तो कॉम्प्लेसेंसी एंड इन अटेंशन, अटेंड नहीं करेंगे गुरु को, पूरा सावधान रहना चाहिए। बंदो मुई सावधान मत थे, गुरु जी जा रहे हैं सावधान है ना, इसे सावधानी रहनी चाहिए। वो कुछ बोलते हैं तो उनको ध्यान से सुनना, भूलना नहीं चाहिए उनको चाहते हैं तो कुछ उदाहरण पढ़ेंगे, शास्त्रिक एग्जाम्पल्स ऑफ ऑफेंसेज कमिटेड बाई ए डिसाइपल टू हिज गुरु। तो पहला जो उदाहरण श्रीमद्भागवत में आता है, इंद्र ने बृहस्पति के चरणों में अपराध किया। ऐसे क्या हुआ, देवताओं के राजा इंद्र जो हैं अपने राजभवन सुदर्भा सभा में बैठे हुए थे और श्राइन नृत्य कर रही थी और अपने सारे देवताओं के साथ बैठे हुए है ना, इतने मग्न थे वो है। और कई बार होता है ना, पोस्ट का अहंकार आ जाता है, कोई बड़े पोस्ट होते हैं, कोई धनी हो जाते हैं, थोड़ा धन आ जाए, थोड़ा पद प्रतिष्ठा आ जाए, थोड़ा कुछ पावर आ जाए, अहंकार आ जाता है। और अहंकार से क्या होता है, असावधानी, और असावधानी से क्या होता है, नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट से क्या होता है, अपराध। वही हुआ इंद्र के साथ, वो असावधान हो गए ना अहंकार में। गुरु जी आए, बृहस्पति आए और आकर थोड़ी देर सभा में खड़े रहे, और इंद्र ने ध्यान ही नहीं दिया। और जब देखा कि इंद्र ने ध्यान ही नहीं दिया, मैं आया हूँ खड़ा होकर स्वागत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, ध्यान ही नहीं दिया। बृहस्पति कुछ बोले नहीं, लेकिन गेट से ही बाहर चले गए और गायब हो गए। फिर तुरंत इंद्र को आभास हुआ, अरे मैंने ये क्या कर दिया, गुरु जी आए उनका स्वागत ही नहीं किया और उन चले गए, अरे ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। फिर ढूंढने लगा, दौड़ गए, ढूंढो ढूंढो कहाँ गए गुरुदेव क्षमा मांगने के लिए, लेकिन बृहस्पति नाराज हो चुके थे, वो जाके पता नहीं कहाँ छिप गए। और इंद्र जो बहुत प्रयास किए ढूंढने का गुरु जी को, ढूंढ ही नहीं पाए, गुरु जी नाराज हो चुके थे और अपराध लगा इंद्र पर, और पश्चाताप बहुत किए, लेकिन फिर भी उसका दुष्परिणाम क्या हुआ, इंद्र को स्वर्ग का राज्य कमाना पड़ा। उधर बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य की अच्छे से सेवा करनी शुरू कर दी और शुक्राचार्य प्रसन्न हो गए और उन्होंने बलि महाराज को, दैत्यों को कृपा दिया। दैत्य जो है इतने पावरफुल हो गए और इधर देवता सारे कमजोर हो गए, क्योंकि गुरु का मान किया। राक्षस ने गुरुओं का सम्मान किया, जैसे आज देखो आजकल जो मुसलमान लोग जैसे होता है, अपने गुरु अपने मौलवियों का गंभीरता से बात मानते हैं, इसलिए दिन ब दिन उनकी शक्ति बढ़ती जा रही है। और जो हिंदू लोग हैं वो लोग साधु संतों की बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, फिर देखो उनकी शक्ति दिन ब दिन घटती जा रही है। उसी तरह से असुरों, हालांकि असुर थे वो लोग, लेकिन उन्होंने अपने गुरु को प्रसन्न किया अपनी सेवा भाव से, इसलिए उनकी शक्ति बढ़ गई। इधर देवता हैं लेकिन गुरु को नाराज कर दिया, इनकी शक्ति खत्म हो गई और स्वर्ग पर असुर ने आक्रमण किया, और देवताओं को मारकर स्वर्ग से भगा दिया, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। और देवता देवराज इंद्र और सारे देवता कई वर्षों तक भूखे पेड़ की कंदराओं, पर्वतों की कंदराओं में छुप छुप कर जीवन बिताना पड़ा। तो इससे एक घटना है जिससे पता चलता है कि गुरु का अगर अपमान किया गया, अपराध हो गया, उसका कितना बड़ा दुष्परिणाम हो सकता है। दूसरा उदाहरण आता है शास्त्रों में रामचंद्रपुरी का। रामचंद्रपुरी ने अपने गुरु माधवेंद्रपुरी के प्रति अपराध किया। जब माधवेंद्रपुरी रेमुना में रह रहे थे, रेमुना जो खीरचूर गोपीनाथ का जहाँ मंदिर है वहीं पे माधवेंद्रपुरी थे, और उन अंत्य लीला अपने अंतिम दिनों में, उनका एक शिष्य थे, उनके दो शिष्य थे बहुत प्रसिद्ध हैं जिनका नाम हमें पता है, एक है ईश्वरपुरी, दूसरे रामचंद्रपुरी है ना। तो ईश्वरपुरी और रामचंद्रपुरी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर है। रामचंद्रपुरी जो है वो गुरु जी को, क्या माधवेंद्रपुरी जी की वो अपमानित कर दिए। क्यों कर दिया अपमान, कैसे, माधवेंद्रपुरी अपने जीवन, अंतिम जीवन में, अंतिम समय में हमेशा कृष्ण प्रेम में मग्न रहते थे और राधा रानी के भाव में
वो क्या करते थे, डूबे रहते थे और रोते रहते थे, जैसे राधा रानी जब कृष्ण राधा रानी ब्रजवासी और गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए, तो राधा रानी कृष्ण के विरह में रोती रहती थी। भाई दीन दयार्द्र नाथ है, मथुरा नाथ कदावलोक्य से, हृदयम तदलोक कातरम, दयितम भ्राम्यति किं करोमि अहम्। हे मथुरा नाथ, आप मथुरा जाकर बस गए हैं और मैं आपके विरह में, मेरा हृदय रो रहा है, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता, मैं रो रही हूँ। इससे राधा रानी इस श्लोक के द्वारा रो रही थी कृष्ण के विरह में। और इसी भाव को लेकर माधवपुरी श्लोक को बार बार पढ़ते थे और रोने लगते थे। रामचंद्रपुरी मूर्ख था, वो आके बोल रहा है, गुरु जी आपका इतना इतने सब भक्ति करने का क्या फायदा हुआ, अंत में देखो आपको रोना ही पड़ रहा है। इसलिए हम बोलते थे कि आप भक्ति छोड़ के ब्रह्म की उपासना करो, निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करो, उससे आप न ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती हो जाओगे। तो शिष्य गुरु को सिखा रहा है ना। माधवनपुरी को बहुत क्रोध आया, बोले नालायक निकल जाए यहाँ से, मेरी नजरों के सामने दोबारा मत देख देखना मेरे को, है ना। और फिर रामचंद्रपुरी वहां से निकल के आगे जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी में आकर पहले तो गुरु के प्रति अपराध किया और यहाँ आकर भगवान के प्रति अपराध किया फिर, क्योंकि जो गुरु के प्रति अपराध करेगा बाद में वो भगवान के प्रति अपराध करेगा। तो रामचंद्रपुरी के क्या अपराध किए, वहां पे चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु जो है वो के पास मिलने गए, तो वहां पे चींटियां रेंग रही थी, बोले देखो 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 जरूर मिठाई खाया होगा, हैं सन्यासी को मिठाई खाते हो, हैं दरी सन्यासी, झूठा सन्यासी, नकली सन्यासी, हैं जरूर तुमने मिठाई खाया होगा ना। तो वहां भी जाके फॉल्ट फाइंडिंग करने लगे, फॉल्ट फाइंडिंग इज अ साइन ऑफ एरोगेंस ना। तो फिर महाप्रभु प्रति भी अपराध हुआ। इसलिए ये दो उदाहरण यहाँ पे हम देख रहे हैं इससे कि गुरु अपराध से कितना बड़ा नुकसान होता है ना, आदत बन जाएगी आपके फॉल्ट फाइंडिंग की, फिर सावधान रहना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि अगर कोई व्यक्ति गुरु अपराध कर दिया और अब पछता रहा है कि कब पता चल गया लेक्चर में कि ये बहुत सीरियस है, जैसे आप सबको आज पता चला और हमने तो पहले कर दिया है, इससे कैसे बचें, अब क्या करें, कैसे करना चाहिए, तो बता रहे इसका क्या है, इसका निदान क्या है, इसका समाधान क्या है, अगर अपराध हो गया है और हम सुधारना चाहते हैं क्या करना चाहिए। बहुत सरल है, जाइए गुरु के चरणों में प्रणाम कीजिए और उनसे आंखों में आंसू धारण करके उनसे क्षमा मांगिए, हे गुरुदेव हमको क्षमा कर दिए, उनसे ये अपराध हो गया। ऐसा करने से दयालु गुरुदेव तुरंत क्षमा कर देते हैं। तो कुछ उदाहरण शास्त्रों से बताएंगे जहाँ पे गुरु से क्षमा मांगा गया। तो बता रहे कि जब सुदर्शन चक्र जो दुर्वासा ऋषि और महाराज अम्बरीश का प्रसंग आता है श्रीमद् भागवत, कि महाराज अम्बरीश एक बहुत महान वैष्णव थे और वो एकादशी का व्रत कर रहे थे ना, मधुबन की घटना है ये, ब्रज में मधुबन एक जगह है और वहीं पे महाराज अम्बरीश यमुना के तट पर आकर और एकादशी व्रत का पालन कर रहे थे, निर्जला एकादशी, और अगले दिन पारण के समय था और पारण का समय फिक्स होता है, तो दुरासा मुनि तभी आ गए वहाँ और दुरासा मुनि बोले कि मैं जा रहा हूँ स्नान करने, नित्य शौच आदि, और उसके बाद आऊंगा तब प्रसाद पाऊंगा, प्रसाद की तैयारी करो। और अम्बरीश महाराज का समय था पारण तोड़ने का, तो वेट इंतजार करते रहे दुरासा मुनि आएंगे, दुरासा मुनि आने में देर कर दिए। अब उनके पास एक धर्म संकट आ गया, महाराज अम्बरीश के पास क्या धर्म संकट है, कि अगर वो उपवास तोड़ते हैं और पहले प्रसाद पा लेते हैं तो दुरासा मुनि के प्रति अपराध होगा, दुरासा मुनि को अपराध होगा, बुरा लगेगा, और अब जानते हैं दुरासा मुनि कितने क्रोधी आदमी, दुरासा मुनि क्रोध करते हैं तो बड़े बड़े हिल जाते हैं, बहुत श्राप देते हैं ना। तो
इसलिए फिर अगर अगर दुरासा मुनि की बात का सम्मान करते हुए अगर प्रसाद नहीं पाते हैं तो एकादशी का अपराध होता है ना। कितना कठिन बात है धर्म संकट। अब क्या करे क्या करे अम्बरीश महाराज, अब दिमाग काम नहीं कर रहा था। वैष्णव उनके काउंसलर थे, कई सारे वैष्णवों को बुलाए और काउंसलर से पूछे कैसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो वैष्णव ने बताया कि आप प्रसाद मत लो लेकिन जल पीकर आप उपवास तोड़ सकते हो। तो उन्होंने जल पीकर उपवास तोड़ ही रहे थे कि तभी दुर्वासा जी आ गए और दुर्वासा को बहुत क्रोध हुआ कि तुमने मुझसे पहले तोड़ दिया उपवास है ना। तो उन्होंने बताया कि ये मैंने ब्राह्मणों से कंसल्ट किया, फिर भी दुर्वासा जी बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने तुरंत अपनी जटा से ऐसे एक जटा तोड़ी और वहीं पर जमीन पर पटक दिया। पटकते उसे एक भयानक असुर प्रकट हुआ जो दौड़ने लगा अम्बरीश महाराज की तरफ उनको मारने के लिए। और अम्बरीश महाराज चुपचाप खड़े हैं, जैसे ही असुर वो भयानक असुर अम्बरीश महाराज तुरंत सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया वहां पर। सुदर्शन चक्र पर उस असुर को तुरंत उड़ा दिया, भस्म कर दिया जलाकर है ना। क्योंकि अम्बरीश महाराज बहुत महान वैष्णव थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे। अब आप इसी से अंदाजा लगाओ इनका उदाहरण था, सबई मनः कृष्ण पदार अरविंद यो वाचान से वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मा जिसु पादौ हरे क्षेत्र पादानुसरणे। अम्बरीश महाराज स्वयं पूरी पृथ्वी के सम्राट होते भी अपने हाथों से भगवान के मंदिर की सफाई करते थे, झाड़ू लगाते थे, राजा थे जब है। करौ हरेर मंदिर मार्जनादि से वाचो वाचान से वैकुंठ गुणानुवर्ण, अपनी वाणी से भगवान कृष्ण के गुणों का वर्णन करते थे। पादौ हरि क्षेत्र पदा, खुद पैदल परिक्रमा करते थे जाकर, जबकि पूरी पृथ्वी के राजा थे। और उनकी भक्ति से भगवान इतने प्रसन्न हुए, सारे लोग बोलते थे आप दिन भर भक्ति करते रहते तो राज्य कौन चलाएगा। मंत्री मंत्री आके सब बोलते थे कि राज्य का कार्य कौन करेगा, मैनेजमेंट कौन करेगा, ये कौन करेगा। वो बोलते थे जिसका राज्य वो करेगा है ना। और फिर राजा अम्बरीश बाद में इतना प्रेशर बिल्ड हुआ तो भगवान से जाके बोले प्रभु क्या करूं मैं, है ना, आपने राजा बना दिया है, वो सब लोग प्रेशर डाल रहे हैं, मैं आपकी भक्ति कैसे छोड़ूं। भगवान बोले आप चिंता मत करो, मेरा सुदर्शन चक्र मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूं। अपना सुदर्शन चक्र गिफ्ट दे दिया महाराज अम्बरीश को है, और वो सुदर्शन चक्र पूरे राज्य में घूमता रहता था, सारे चोर उचक के है ना, जो भी कोई बदमाशी करता पीछे जाके सुदर्शन खड़ा हो जाता, हरी बोल हरी बोल, सीधे लाइन पे रहिए। सुदर्शन को देख के सब सतर्क हो जाते थे, तो सारा राज्य बड़े अच्छे से चल रहा था। इसलिए जैसे ही असुर आया, क्योंकि भगवान ने सुदर्शन गिफ्ट दे रखा था, तुरंत सुदर्शन आया महाराज अम्बरीश की रक्षा के लिए, असुर को जलाकर भस्म कर दिया। और सुदर्शन बहुत क्रोधित था दुर्वासा के ऊपर भी, दुर्वासा के पीछे भी दौड़ पड़ा, बोला दुर्वासा को लगा कि मुझे भी अब जला के भस्म कर। भागने लगे दुर्वासा ऋषि हैं, भागने लगे, भागते भागते अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए। पिताजी के चरणों में, हे पिताजी सुदर्शन से मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले बेटा तू जा नहीं तो तेरे को तो जलाया गया, मेरे को भी ये भस्म करेगा सुदर्शन। तुमने एक महान वैष्णव के चरण कमलों में अपराध किया है और इसका कोई निदान नहीं है, यहाँ से चला जा। ब्रह्मा जी ने सपोर्ट नहीं किया, दुर्वासा जी वहां से भागे, भागते भागते शिव जी के पास गए। भगवान शिव भी हाथ उठा दिए, खड़े कर दिए, नहीं मैं भी कुछ नहीं कर सकता दुर्वासा, अगर आप चाहते हो अपना कल्याण आप भगवान श्री नारायण के पास जाओ, क्योंकि ये सुदर्शन चक्र उन्हीं का है, उन्हीं का आदेश मानता है और किसी की नहीं सुनेगा ये। दुर्वासा जी वहां से भागते हुए भगवान नारायण के चरणों में गए। जब भगवान नारायण के चरणों में गए, भगवान श्री नारायण ने उनको हा बोले हे प्रभु, दुर्वासा जी बोले हे प्रभु मेरी रक्षा करो, ये सुदर्शन मुझे जला रहा है, रक्षा करो पवित्राहि माँ। भगवान बोले दुर्वासा जी
अब ये सुदर्शन मेरी भी बात नहीं मानने वाला है, मेरे भी बस में नहीं है, और मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ, अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र इव द्विज। मैं ब्राह्मण और वैष्णवों के अधीन रहता हूँ, इसलिए आपने वैष्णव के चरणों में अपराध किया है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आप देखो, अगर वैष्णव के चरणों में कोई अपराध करता है तो भगवान भी उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो क्या करें, क्या उपाय है? बोले, अगर आप अपना कल्याण चाहते हो तो आप जाइए अम्बरीश महाराज के पास, उन्हीं के चरणों में गिर कर क्षमा मांगिए, अगर वो क्षमा कर देंगे तभी ये जो सुदर्शन शांत हो ले। तो भागते हुए गए अम्बरीश महाराज के चरणों में गिर पड़े सुदर्शन जी। अम्बरीश महाराज तुरंत उठाल के उनको गले लगा लिए, हे महर्षि, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मेरे पूजनीय हैं, मैं तो आपका दास हूँ, आप ब्राह्मण हैं, मेरे मेरे स्वामी हैं। हालांकि अम्बरीश महाराज बहुत एडवांस थे, फिर भी इतने विनम्र थे ना, और उन्होंने सुदर्शन से प्रार्थना किया कई श्लोकों में, तब जाके सुदर्शन, अम्बरीश महाराज प्रार्थना कर रहे, हे सुदर्शन शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, है ना। तब जाके सुदर्शन जी शांत हुए, तब दुर्वासा ऋषि की जान बची। इस उदाहरण से क्या समझते हैं कि गुरु की अवज्ञा वैष्णव की निंदा कितना खतरनाक है। कोई नहीं ब्रह्मा विष्णु शिव कोई नहीं बचा सका ना, केवल जिस वैष्णव के चरणों में आप अपराध करते हो वही आपको बचा सकता है। इसलिए गुरु के चरणों में अपराध से हमें बचना चाहिए। दूसरा, ब्रह्मा जी ने अपराध किया भगवान के चरण कमलों में। ब्रह्मा जी के गुरु कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। और उनके कैसे अपराध किया? उनके बछड़ों को हैं और बाल बालों को चुरा कर अपराध किया, इसलिए ब्रह्मा जी को भगवान बहुत नाराज थे। फिर दक्षा ने, दक्ष प्रजापति ने अपराध किया किसको? शिव जी के चरणों में, इसलिए उनका क्या हुआ? उनका सिर कटा, दर्शरथन से जुदा है। किसने किया? वीरभद्र ने, वीरभद्र ने सिर काट दिया, और फिर उनको बकरे का सिर लगाना पड़ा ना, बकरे का सिर। तो इसलिए ये कुछ उदाहरण, इंद्र है ना ने अपराध किया है ना, कैसे? गोवर्धन पहाड़ जब उठाया भगवान वहां पे, तो और कालिया ने अपराध किया है ना भगवान के चरणों में, नाग पत्नी ने प्रार्थना किया तो कालिया का उद्धार हुआ। तो इस तरह से हम तीन अपराधों की आज चर्चा किए, दो अपराध, अपराध नंबर 2 और अपराध नंबर 3। दूसरा अपराध क्या था? कि भगवान ब्रह्मा और शिव के नामों को भगवान कृष्ण के नामों के समान समझना, ही अपराध है। कृष्ण जो है परमेश्वर है, बाकी सब उनके सेवक हैं, ऐसे समझना चाहिए। और तीसरा क्या है? तीसरा कि गुरु की अवज्ञा करनी, गुरु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, उनको भगवान के समान ही सम्मान करना चाहिए। वैष्णव अपराध ना, ना और गुरु कृष्ण और देवताओं के नाम को बराबर समझने का अपराध, और गुरु की अवज्ञा करने का अपराध, तीन अपराध हमने कवर किया। और अपराध नंबर 4 से लेकर 10 तक और 7 अपराध हैं, और एक और एडिशनल है 11 हुआ, उसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छी मल्लिका, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया नाम और नामी में भेद नहीं होता है, जैसे कृष्णा का नाम नहीं नहीं और बेटा, उन उसमें आने हरे लगा कृष्ण। अभी, आपकी आवाज नहीं आ रही, 1 मिनट, इसे सेटिंग में कोई गड़बड़ हो गया। एक मिनट रुक जाइए, सेटिंग में थोड़ा चेंजेस करना है। हेडफोन
कहाँ पे लाइब्रेरी? हरे कृष्णा, फिर से पूछिए। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा वॉइस आ रहा है? हरे कृष्णा, हरे आप, आवाज थोड़ा भी, हमारे साउंड सिस्टम चेक हो रहा है, फिर से बोलिए। हाँ कृष्णा प्रभु जी, मेरी वॉइस आ रही है? हरे अब आ रही है। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया कृष्णा एंड उनके नेम में कोई डिफरेंस नहीं है, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि गुरु हरे और कृष्णा, शुद्ध आप भक्त, अपनी वीडियो बंद कर लो, बीच में आवाज कट रहा है। आपकी आवाज हरे कृष्ण, नेट थोड़ा हो सकता है वीक हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ अभी आ बोलिए। रहा है? हाँ हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कृष्णा और उनके नाम में कोई डिफरेंस नहीं है, तो मेरे मन में क्वेश्चन आया कि गुरु और जो शुद्ध भक्त हैं उनके भी नाम और उनमें कोई डिफरेंस नहीं है? गुरु और फिर से पूछिए। गुरु और शुद्ध भक्त समझ नहीं आया फिर से। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कृष्णा नाम और नामी में डिफरेंस नहीं है, तो वैसे ही जो हाँ गुरु हैं या शुद्ध भक्त हैं उनके भी नाम में और उनमें डिफरेंस नहीं है? तो ये तो मैं नहीं कह सकता। हाँ शुद्ध वैष्णव महिमा तो बहुत बताया गया है शास्त्रों में, तो पर मैंने ये कहीं नहीं पढ़ा है कि उनके नाम और उनमें कोई भेद नहीं है। मैंने नहीं पढ़ा है तो इसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं बता सकता, पर आप भगवान के नाम के बारे में बता सकता हूँ आपको, है ना, जो बताया गया है शास्त्रों में, है ना। पर हो भी सकता है, मैंने वैष्णव की महिमा मैंने बहुत सुनी है ना, कि तो पर मैंने पढ़ा नहीं अभी कहीं, इसलिए कंफर्म नहीं कर सकता। हरे कृष्ण। दिव्यांश सिंघल, हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसा कि आपने बताया कि वैष्णव अपराध का कितना बड़ा मतलब एक नुकसान होता है भक्ति में, तो प्रभु जी जैसे उसका सॉल्यूशन था कि हमें उस वैष्णव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगनी चाहिए जिसके प्रति अपराध करा है, लेकिन प्रभु जी अगर कोई ऐसा वैष्णव है जिसके प्रति हमने जानकर या अनजाने में अपराध कर दिया, लेकिन उसे अप्रोच करना फिजिकली या फिर किसी और भी माध्यम से पॉसिबल नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए प्रभु जी? आप उनको लिख कर मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ना जी प्रभु जी, नहीं, प्रभु जी अगर वो भी पॉसिबल नहीं है मतलब उनसे कांटेक्ट करना भी पॉसिबल नहीं है तो? क्यों पॉसिबल नहीं है? कहीं नहीं है। उनका फोन नंबर नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी जैसे मान लीजिए हमने किसी साधु के बारे में सुना या संत के बारे में सुना और मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, यानी कि कोई फॉरेन में है या फिर कोई कथावाचक है, हमें पता नहीं है कि वो मतलब शुद्ध भक्त है या नहीं है, लेकिन हमने अपराध कर दिया और हमें बाद में लगा कि हो सकता है कि वो बहुत एग्जॉल्टेड वैष्णव हो और हमने अपराध कर दिया, तो अब कैसे करें प्रभु जी? हाँ तो उसके गुणों को स्मरण करना चाहिए, है ना। उसके गुणों को स्मरण करने से, उसके अच्छी चीज़ों को, उसको उसका गुणगान करने से ऐसे वो अपराध नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कंचन सक्सेना माता जी, यस। कुंचन माचा जी, कृपया अनम्यूट करें, फिर प्रश्न पूछे अपना। अरुणकांत शुक्ला, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है। एक तो पहले वो उज्ज्वला माता जी ने जो पूछा था उसका जवाब देना चाहता हूँ मैं, कि आपने पहले ही बताया कि किसी भी देवता और किसी भी अन्य डेमी गॉड्स को हम उनका और उनके नाम में को में अंतर होता है, क्योंकि केवल कृष्ण जी का नाम और कृष्ण जी के में कोई अंतर नहीं। तो उनका सवाल का तो आप जवाब पहले ही दे चुके हैं। दूसरी चीज प्रभु जी, मेरे से एक, मैं वृंदावन में रह रहा हूँ आजकल, तो रोज इधर सुबह मंगला आरती में आता हूँ, तो प्रेमानंद जी उधर से निकलते हैं तो उनकी वजह से ट्रैफिक बहुत कंजेशन होता है। तो मेरे मन में अक्सर ये आ जाता है कि इनको शायद पैदल नहीं आना चाहिए, अपनी गाड़ी से आना चाहिए, तो क्या ये अपराध में आएगा प्रभु जी? मतलब महान संतों के प्रति इस तरह की भावना नहीं रखनी चाहिए, है ना? जी प्रभु, है ना? उनको हम नहीं बता सकते उनको क्या करना चाहिए, है ना? जी जी क्योंकि हम उस स्तर पे नहीं है तो हम ऐसे क्यों बताएं? इसलिए हमारा मन हमको ऐसा बोलता है, कई बार हम इरिटेट हो जाते हैं, तो जी इसीलिए इन्हीं यही सब चीजें छोटी छोटी, हालांकि ये छोटी बात है लेकिन फिर भी हमें बचना चाहिए ऐसी चीजों से, है ना? जी जी ठीक है प्रभु। तो अभी अगर ये अपराध मन में आ गया तो अब इसको क्षमा मांगने के लिए उनके पास जाना चाहिए। नहीं, गुणगान करके अच्छे गुणों को याद अच्छा करके स्मरण कीजिए, है ठीक ना? ठीक है ठीक है उनके प्रभु। संत संतत्व को स्मरण करके आप उनके प्रति फिर से श्रद्धा विकसित कर लो, ठीक है ना? जी ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ, सॉरी प्रभु जी, उस वक्त अनम्यूट नहीं हो पा रहा मेरा माइक। कोई बात ठीक है नहीं। प्रभु जी, हाँ जी प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे भगवान कहते हैं गीता में कि सर्वधर्मान परित्यज्य, कि सारे धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आओ, डरो मत, मैं आपका सारे पाप माफ कर दूंगा। तो प्रभु जी, कभी कभी देखने को मिलता है कि जो महान मतलब वैष्णव होते हैं उनको भी कभी कभी कष्ट होता है। तो प्रभु जी, वो तो शुद्ध डिवोटी होते हैं तो उनको कष्ट क्यों होता है? क्योंकि भगवान तो उनके उनको बहुत प्रिय होते हैं और वो भी भगवान को बस मतलब भगवान को भी वो प्रिय लगते हैं, तो फिर कष्ट क्यों होता है? या किसी को भी कष्ट क्यों होता है जो उनका नाम जपते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ऐसा जब प्रतीत होता है कि उनको कष्ट हो रहा है ना, तो वास्तव में उनको कष्ट नहीं होता है ना? अगर महान वैष्णव होते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि उनको कष्ट हो रहा है ना, लेकिन वास्तविकता में नहीं होता है उनको कष्ट। दूसरा चीज है कि कई बार उनको कष्ट अगर होता भी है तो वो जो है भगवान जो है उनको उनके माध्यम से शिक्षा देते हैं कि हमें कैसे भक्ति करनी चाहिए, है ना? जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जैसे सास होती है, अगर उसको अपनी बहू को कुछ सिखाना है तो अपनी बेटी को डांटती है ना? बेटी को डांट के बहू को सिखाती है, बहू को डायरेक्ट डांटेगी तो बुरा मान जाएगी इसलिए बेटी को डांटती है, तो बेटी बुरा नहीं मानेगी, उस बहाने बहू के सामने डांटेगी बेटी को ये गलत है, तो बहू को भी समझ में आ जाएगा कि ये गलत। उसी तरह से कई बार भगवान अपने भक्तों को कष्ट देते हैं और कष्ट के बावजूद भक्त लोग भगवान की भक्ति करते हैं, इससे संसार को संदेश जाता है कि भगवान की शुद्ध भक्ति क्या है। शुद्ध भक्ति का मतलब नहीं कि हमेशा बढ़िया बढ़िया होगा तभी हम भक्ति करेंगे। भगवान देखो मेरे भक्त, उनके जीवन में इतना कष्ट है फिर भी वो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, है ना? तो इस तरह से भक्तों की महिमा को स्थापित करते हैं कि देखो भक्त, मेरे भक्त मुझसे इतना प्रेम करते हैं, यहाँ तक कि अगर उनकी लाइफ में कुछ कष्ट भी आता है तो भी वो मेरे को दोष नहीं देते हैं, मेरी भक्ति करते हैं और भक्ति बढ़ जाती है उनकी कष्ट में, है ना? और मुझे अधिक याद करते हैं, है ना? और कई भक्त तो जानबूझ के कष्ट मांगते हैं, जैसे कुंती महारानी है, वो तो बोलते हैं कि प्रभु हम चाहते हैं कि बार बार विपत्ति आए मेरे ऊपर, क्योंकि जब विपत्ति आती है तो आप आते हो मुझे बचाने के लिए, है ना? और जब संपत्ति आती है तो आप छोड़कर चले जाते हैं, है ना? तो इसलिए भगवान कई बार अपने भक्तों को महिमा स्थापित करते हैं, प्रेम की भक्ति की महिमा, ताकि कई लोग होते हैं ना थोड़ा सा कष्ट हुआ भक्ति छोड़ देते हैं, है ना? तो उनको शिक्षा देने के लिए कि देखो इतनी कमजोर भक्ति को मत करो, इतनी भक्ति इतनी मजबूत बनाओ, कष्ट भी आए
छोड़ो मत। तो एक एक कारण होता है। तीसरा कारण ये हो सकता है, होता है कि भक्त की परीक्षा लेने के लिए, है ना। कई बार कुछ भक्त प्रेम की परीक्षा लेंगे, मेरे को कितना प्रेम करता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब तक मैं इसको हलवा पूड़ी मलाई रस मलाई पेड़ा बर्फी खिला रहा हूँ तब तक मेरी भक्ति कर रहा है ना। आज जिस दिन कष्ट होगा छोड़ देगा, है ना। कई बार जानबूझकर भगवान भक्तों को कष्ट में डालकर चेक करते हैं कि क्या ये मेरी सच्ची भक्ति करता है या केवल अपने सुख में ही भक्ति करेगा, है ना। तो ना कि इसलिए ऐसे भक्तों को टेस्ट करते हैं भगवान कष्ट देकर, कहीं मेरी भक्ति का है कि नहीं। ये मुझे लगता है दो तीन कारण होते हैं ना। ओके, ये पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस प्रभु, मेरा क्वेश्चन है कि जिस तरह पानी जीवन में जरूरी होता है, बिना पानी के नहीं रह सकते, तो ऐसा भक्ति क्यों नहीं है प्रभु जी, बिना भक्ति के नहीं रह पाए। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, है ना। वास्तव में भक्ति पानी से भी ज्यादा है, निर्भरता है, क्योंकि हम जी कहाँ रहे हैं, हम लोग मर ही रहे हैं, कर्ज देखा है ना। तो क्यों भक्ति नहीं है, भक्ति के बिना हम जी नहीं पाए, ऐसा हो जाता तो कितना बढ़िया रहता है ना। तो हमको भक्ति करना ही पड़ता है मजबूरी में, है ना। जैसे पानी पीना ही पड़ता है ना, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, चाहे टेस्टी लगे चाहे कैसी भी लगे, क्योंकि वो शरीर की आवश्यकता होती है। तो भक्ति को भगवान ने जानबूझ के ऐसा बनाया है कि भक्ति जो है वो उसमें फोर्स नहीं किया जा सकता, इसलिए भगवान ने फ्रीडम रखा है, फ्री विल दिया है। फ्री विल का मतलब यही है ना, फ्री विल का मतलब है कि आप मिस यूज करने का भी ऑप्शन है और सही यूज करने का भी ऑप्शन है, और केवल एक ही ऑप्शन है तो वहाँ भक्ति हो ही नहीं सकती है ना। आप समझ बात है, अगर यस मल्टीपल प्रभु ऑप्शन है तब उसमें आपके पास ऑप्शन है, कृष्ण शिव ब्रह्मा इंद्र मोदी अमित शाह राहुल गांधी, है ना, और उसमें आप केवल कृष्ण को चुन रहे हो, इसका मतलब कृष्ण से आपको प्रेम है कि नहीं। आ एक ही ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं, कृष्ण को ही चुनना है तो कृष्ण को आप चुन रहे हैं, तो उसमें प्रेम नहीं माना जाएगा। तो इसलिए भगवान ऑप्शन देते हैं और फिर बोलते हैं मुझे चुनो। तो अगर हम कृष्ण से प्रेम करेंगे तो कृष्ण को चुनेंगे, है ना। ओके, साधु मोती रोहिणी माता जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे वैष्णव अपराध पे आपने बताया, तो जैसे जगाई और मदाई का पास टाइम है, उसमें हम देखते हैं कि वो पत्थर मारते हैं नित्यानंद प्रभु को, और वो भी वैष्णव अपराध, उसके बाद भी उनको जो है चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिली, तो प्रभु जी इसको कैसे समझा रहे? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न। तो वैष्णव पर देखिए, इसलिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं मिली उसको। आप देखिए, जब जगाई और मदाई ने मारा नित्यानंद प्रभु को, चैतन्य महाप्रभु बहुत क्रोधित थे, उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया, बोला तुम दोनों का सर धड़ से अलग कर दूंगा। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि महाप्रभु मधाई ने तो मारा, जगाई ने तो मारा, लेकिन मधाई ने मुझे बचाया, क्योंकि जब दोबारा मार रहा था तो मधाई ने रोक दिया। तो जैसे ही नित्यानंद प्रभु ने बताया, महाप्रभु को क्या बताया, अच्छी बात बताई, उनकी बुरी बात नहीं बताई। नित्यानंद प्रभु उनका गुणगान कर दिया, हालांकि उसमें अंदर कोई गुण था नहीं, लेकिन थोड़ा सा एक खून देखकर उसका मन पिघल गया मधाई का, है ना। और फिर उसने रोका जगाई को, तब
वही मौका मिल गया नित्यानंद प्रभु को क्या करने का, उसके गुण बताने का महाप्रभु को। गुण जैसे ही बताया, महाप्रभु ने मधाई को गले लगा लिया, उसके सारे पाप महाप्रभु के ऊपर चले गए, सारे पाप अपराध। तो मधाई पूर्ण शुद्ध हो गया। तो फिर जगाई को दिखा, जगाई ने देखा कि अरे मधाई तो शुद्ध भक्त बन गया, आगे इसके पाप नष्ट हो गए। तो वो भी महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ा, हे प्रभु मैं बहुत पापी हूँ, मैंने नित्यानंद प्रभु को मारा। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि नहीं, तुम्हारा कभी उद्धार नहीं हो सकता, तुम्हारा वध करके रहूंगा। अगर एक ही उपाय है, अगर तुम चाहते हो अपना कल्याण, जो अगर नित्यानंद प्रभु तुमको अपनाएंगे तो तुम नित्यानंद के चरणों में प्रार्थना। तो नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिर पड़ा जगाई, और नित्यानंद प्रभु ने उसको उठाकर गले लगाया, और महाप्रभु को बोले कि महाप्रभु मैंने इसे क्षमा कर दिया, ये नादान बालक है ना, आप आए हैं, आप वध करने नहीं आए हैं, उद्धार करने आए जीवात्माओं का, अपराधी तो हैं लेकिन आप इसे क्षमा कर दो। तो नित्यानंद प्रभु जब बोले तब जगाई मधाई को क्षमा किया चैतन्य महाप्रभु ने, और प्रेम दिया है ना। और फिर उसके बावजूद भी जगाई मधाई बहुत रोते थे है ना, यहाँ तक कि मधाई जगाई मधाई इतने रोते थे, चैतन्य भागवत में वर्णन करते हैं वृंदावन दास ठाकुर जी की, जगाई और मधाई एक दिन एकांत में, हालांकि रोज 128 माला का जप करते थे, उसके बावजूद रोते रहते थे कि हमने नित्यानंद प्रभु को मारा, हमने नित्यानंद प्रभु को मारा। एक दिन एकांत में नित्यानंद प्रभु के पास गए और उनको बोले, प्रभु हमारे से अपराध जो हुआ है उस हमारे हृदय से छोड़ नहीं रहा है, हम बहुत रोए, बहुत जप भी कर रहे हैं लेकिन अपने आप को गिल्टी फीलिंग जा नहीं रही है। तो महाप्रभु ने कहा तुम लोग वैष्णवों की सेवा करो तभी ये चीज जाएगा। जगाई मधाई ने दोनों ने घाट बनाया, मधाई घाट आज भी है मायापुर में, और वहां पर जो भी वैष्णव आते थे स्नान करने उनको प्रणाम करते थे, उनके धोती को धोती कुर्ता धो के साफ करके सुखा उखा के बढ़िया से देते थे, उनकी सेवा करते थे। तो इस प्रकार से वैष्णवों की सेवा की तब जाके उनका अपराध बोध जो है मुक्त हुए। तो ऐसा नहीं है कि तुरंत कृपा मिल गई ना, तो नित्यानंद प्रभु ने पहले तो क्षमा किया और फिर वैष्णव की सेवा भी की लोगों ने। हरे कृष्ण। ठीक है लावण्या, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हाँ प्रणाम। प्रभु जी मेरे दो क्वेश्चंस थे। प्रभु जी एक था कि जैसे जो आपने सारे रूल्स बताए, ये सारे क्या स्कूल के टीचर के लिए और कॉलेज के टीचर के लिए अप्लाई होते हैं? क्योंकि मतलब मेजरली जो स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं वो एकदम अपने मतलब क्या कहते हैं जो स्टूडेंट होता है उसके प्रति मतलब बिल्कुल क्या कहते हैं कहते पोलाइट होते हैं और रेस्पेक्टिंग भी होते हैं। बट जो स्कूल के कुछ टीचर्स होते हैं मतलब उनका ऐसा मोटिव होता है कि वो मतलब स्टूडेंट्स को मतलब जो है क्या कहते हैं उनको मतलब इंसल्ट करके उनको समझाते हैं, तो मन में थोड़ा बहुत तो गलत भाव भी उत्पन्न हो जाता है। तो फिर ये सब जो रूल्स हैं और ये सब जो अपराध है उनके लिए भी अप्लाई होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। स्कूल टीचर ये स्पिरिचुअल मास्टर के लिए, मटेरियल मास्टर के लिए नहीं है ना। ये रूल जो मैंने बताया, ये गुरु जो भक्ति आपको प्रदान करते हैं उनके लिए है, और जो स्कूल के टीचर हैं उन उनको भी सम्मान करना चाहिए है ना। लेकिन कई बार स्कूल टीचर इतने मैच्योर नहीं होते हैं इसलिए वो मिसबिहेव कर देते हैं, तो उनको हमें बिल्कुल 100% सरेंडर नहीं करना है। अगर नहीं तो कई बार वो शोषण भी करते हैं, इसलिए ये जो नियम है केवल आध्यात्मिक दृष्टि। लेकिन हाँ, स्कूल में जो हमारे बड़े, जो भी बड़े हैं, चाहे वो टीचर हों, चाहे वो माता पिता हों, या घर के बड़े बुजुर्ग हों, तो कभी कभी वो दादागिरी करते हैं ना, क्योंकि उनको लगता है कि मैं सीनियर हूँ, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनको सहें और सहन करें, रिस्पेक्ट करें है ना। तो थोड़ा सम्मान करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा अगर अति कर रहे हैं तो फिर उनका हमें उनसे जो ऊपर है उनको कंप्लेन करना चाहिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है आपका? मैसेज नहीं आया अनम्यूट का। बोलिए।
प्रभु जी मेरा ये था कि जैसे प्रभु जी मतलब मेरे ऊपर जो रेंटर्स रहते हैं उनकी जो डॉटर है मैं उसको टेंपल लेके गई थी एंड उसने मतलब भगवान के प्रति बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया। तो मतलब मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि वो भगवान की भक्ति में आगे लगे और वो दूसरे रिलीजन के, वो पंजाबी है तो मतलब उसके पेरेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और वो आसानी से भक्ति करे, उसके पेरेंट्स भी भक्ति के प्रति प्रेरित हो बिना किसी मतलब लड़ाई झगड़े के, मतलब वो भी भक्त बने। मतलब मुझे ऐसा क्या करना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि वो उसके घर वाले सब लोग इंटरेस्ट लें इस चीज के प्रति। आप उनको प्रभुपाद जी की किताब दो पढ़ने की। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे ऋतु कृष्ण। आर्या, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हाँ प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि हम लोग गुरु के प्रति समर्पण भाव की हम बात कर रहे थे, तो जैसे कि गुरु को हमें भगवान की जगह पे ही मानना है, तो उनके प्रति जो समर्पण का भाव हमें लाना है, कंप्लीटली सरेंडर होना है, तो उसके लिए खुद के अंदर हमें क्या चेंजेस लाने चाहिए? यही गुरु की महिमा यही को गुरु की याद महिमा को करना चाहिए, उनके महिमा को याद करना चाहिए, है ना, जो शास्त्रों में बताया गया है, ये प्रवचन है, बार बार सुनना चाहिए, इससे हमें प्रेरणा मिलती है ना, तो गुरु को हमें उस दृष्टि से देखना चाहिए, श्रवणम से ही हमारे को दिव्य ज्ञान मिलता है, जिसे हम समझ पाते हैं गुरु की महिमा को, बार बार गुरु की महिमा के ऊपर श्रवण करना चाहिए, उससे हमें समझ में आता है। अनिल जांगड़ा जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी ये पूछ रहा था, जैसे आपने बताया ना प्रभु जी ये क्षीरो दक्षाई विष्णु क्षीर सागर समुद्र में रहते हैं, तो प्रभु ये क्षीर सागर समुद्र कहाँ पर है प्रभु जी? जैसे कारण दक्षाई बाहर है। कर्णदोषाई विष्णु है, क्षीर सागर जो है वो इसी ब्रह्मांड के अंदर, ब्रह्मांड के अंतर्गत ही एक वैकुंठ लोक है, जहाँ पे क्षीर सागर है, जिसमें भगवान निवास करते ठीक है प्रभु जी, हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू। प्रियेश हरे प्रभु, कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे सर, मेरा प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था कि सबसे पहले तो मेरा जैसे जो हम लोग जैसे माला करते हैं, माला करते टाइम भी कई कई हमारे दिमाग में ऐसे सवाल आते हैं जो कई कई बार हमें लगता है कि ये साइंटिफिकली गलत है, प्रभु जी ने ऐसी बात बोली थी, ऐसी बात नहीं हो सकती। तो इसका समाधान मतलब मन को कैसे ऐसे मतलब जो विचलित सवाल होते हैं इससे खुद को मतलब समझाएं मतलब। नहीं, बहुत अच्छा है आपका प्रश्न। तो ऐसा स्वाभाविक है, क्योंकि जैसे अगर आपका साइंटिफिक माइंडसेट है, आपने आधुनिक शिक्षा पद्धति में जो भी व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो उसको ये समस्या रहती ही है, तो उसको जल्दी विश्वास नहीं होता, नास्तिकता है, आधुनिक शिक्षा पद्धति में नास्तिकता है, और नास्तिकता में क्या है कि जल्दी कोई भी चीज़ पे व्यक्ति विश्वास नहीं करता है ना, हमारा मन, हमारी बुद्धि उस तरह से ट्रेंड होती है, इसलिए ये स्वाभाविक है ऐसा, है ना, और संदेह आना कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन गलत चीज़ क्या है कि मन अगर संदेह आता है तो हम उसको मान लेते हैं कि हाँ गलत, उसको पूछना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, प्रश्न प्रस्तुत करना चाहिए, अपने डाउट को, अपने संदेह को किसी वरिष्ठ वैष्णव के सामने, और बड़े ही कैसे प्रस्तुत करना चाहिए, चैलेंजिंग वे में नहीं प्रस्तुत करना चाहिए, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, प्रणी पाते ना, मतलब सबमिसिव वे में विनम्रता से प्रस्तुत करना चाहिए, जैसे अर्जुन ने प्रस्तुत किया है ना, कि मैं मूर्ख हूँ, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया कि आपने ये जो बताया इसमें कैसे समझा जाए इस बात को, कि मेरे हिसाब से तो ऐसे इसमें ये समस्या है, आपका क्या कहना है, मैं जानना चाहता हूँ ना, तो विनम्र भाव से अगर हम प्रस्तुत करेंगे तो वैष्णव लोग आपको उसके पीछे जो लॉजिक है उसको भी बताएंगे, क्यों, उसके कारण भी बताएंगे, तो फिर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, तो प्रश्न पूछना गलत नहीं है। आप जैसे देखो अर्जुन ने इतने प्रश्न पूछे भगवद गीता में, भगवान कृष्ण ने कहा युद्ध करो, थोड़े तो युद्ध किया नहीं, उसके जितने डाउट थे, संदेह आ रहे थे, सब पूछ रहा था, और भगवान के अंदर भी बहुत पेशेंस था, देखो 18 अध्याय गीता उसको सुनाया ना, 20 रूप पहले ही
चैप्टर में दिखा के बोलते तू नहीं लड़ेगा तो तेरे को पहले मारूंगा। भगवान वो बहस करता है मेरे साथ, लेकिन नहीं, भगवान ने उसको धमकाया नहीं बल्कि बड़े ही धैर्य से उसके एक एक प्रश्नों का उत्तर दिया 18 अध्याय तक। ना इसी तरह से वैष्णव से हमें अपने प्रश्न को विनम्रता से प्रस्तुत करने से हमारे संदेह का निवारण होता है, फिर हमारी श्रद्धा बन जाती है। ठीक है मीनू, मीनू माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम हाँ प्रभु जी। जैसे आपने बताया था कि गुरु महाराज की जैसे परछाई है तो हमें उस पर नहीं चलना चाहिए, और प्रभु जी कभी मतलब जब हम वेब सिटी में गए थे तो गुरु महाराज हमारे आगे आगे जा रहे थे तो पीछे पीछे से हम जा रहे थे, तो उनके चरणों के चिन्हों पे जो हम चले थे तो प्रभु जी वो भी एक अपराध है फिर। वो तो लिखा नहीं था तो मैं नहीं बता सकता, परछाई का लिखा हुआ तो उतना ही रखिए। ठीक है मतलब प्रभु जी फिर वो अपराध नहीं है। हाँ हाँ, जो शास्त्र में लिखा है वो मैंने बताया, तो वही है, अब अपने से मैं जोड़ नहीं सकता उसमें ना, इतना ही मानिए वो नहीं है अपराध। जी प्रभु जी, प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है प्रभु हाँ जी। जैसे आपने अभी गुरु की महिमा बताई है, भगवान की भी बताया, नाम के बारे में भी बताया, किसी किस तरह से हमें नाम जाप में रुचि लेनी चाहिए, वैसे अपराध नहीं करने चाहिए, पर फिर भी प्रभु जी हम अच्छे से क्यों नहीं कर पाते। मुझे इस बात का बहुत दुख होता है कि मतलब क्यों मैं अपना समय व्यर्थ कर रही हूँ, क्यों अच्छी तरह नहीं कर पा रही हूँ। नहीं, आप प्रयास करती रहो, समय लगता है ना, तो आप प्रयास तो कर रही हो ना, हमारे हाथ में क्या है प्रयास। आप प्रवचन में बैठ रही हो, सुन रही हो, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और ये भी इससे भगवान प्रसन्न है। तो सुनते 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 ना, एक दिन भगवान की कृपा आपको मिलेगी ना, आप निराश मत हो कि क्यों नहीं, और ये अच्छी बात है, हमें हमारे अंदर व्याकुलता होनी चाहिए कि हमारे को क्यों नहीं जल्दी से शुद्ध भक्ति मिल रही है ना। तो हो सकता है भगवान कुछ सोच रहे हो कि अभी इतना जल्दी दे देंगे तो आपके लिए ठीक नहीं होगा, इसलिए नहीं दे रहे होंगे ना, कई चीजें भगवान को देखना पड़ता है कई एंगल से। तो आप अपना प्रयास करते रहिए, सबसे जरूरी क्या है, सत्संग में हमेशा रहना, सत्संग में अगर आप हैं तो भगवान की कृपा अवश्य मिलेगी आपको। ठीक है अब बल्कि सत्संग अगर में आप हैं तो भगवान की कृपा, सत्संग ही भगवान की कृपा है वास्तव में। अगर आपका नाम जप अच्छा हो जाए तभी भगवान आपको सत्संग दे रहे हैं। नाम जप का फल क्या है, सत्संग, भगवान की सेवा और भक्तों का संग, ये दोनों अगर आपको मिल रहा है इसका मतलब आप नाम जप ठीक से कर रही हैं। अगर नाम जप ठीक से नहीं कर रही हैं तो भक्तों के संग छूट जाएगा और भगवान की सेवा नहीं मिलेगी। अगर हमारे को भगवान की सेवा मिल रही है, भक्तों का संग मिल रहा है, इसका मतलब भगवान की कृपा हमारे ऊपर है, हमारा जप ठीक चल रहा है। ठीक है जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, तो अब मैं यहीं पे विराम दूंगा क्योंकि समय हो चुका है, और कुछ भक्तों का प्रश्न है तो आप लोग अपने प्रश्न लिख कर दे दीजिए हमारे सत्य भानु प्रभु को, और फिर अगली बार मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। मैं क्षमा चाहता हूँ, बाकी लोगों के प्रश्न नहीं ले पाऊंगा क्योंकि समय थोड़ा ज्यादा हो गया है, पर आपके प्रश्नों को अभी नहीं, बाद में बताऊंगा उत्तर दे। ठीक है हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम प्रभु जी के बहुत आभारी हैं, आज भी प्रभु जी ने हमें समय दिया और नाम जप में होने वाले दूसरे और तीसरे अपराध के ऊपर प्रभु जी ने हमें शिक्षित किया। तो हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रभु जी का धन्यवाद प्रकट करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, इसी प्रकार से आप बने रहे, और क्षमा चाहते हैं कि आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से साउंड नहीं आ पाया। प्रयास करेंगे अगली बार से आवश्यक ऐसी दिक्कत ना हो। और जिनके भी प्रश्न अभी उत्तर जिनका नहीं मिल पाया है, तो उनसे निवेदन करेंगे कि वो चाहे तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं, मेरे नंबर आप देखते हैं ग्रुप में जो मैसेज आता है 7500 से, उस पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपके इन प्रश्नों का उत्तर लाने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण।
अभी मीटिंग 10 मिनट ऑन रहेगी, तो जिन भक्तों के प्रश्नों के उत्तर उनको नहीं मिल पाए वो चैट में डाल दीजिए और हम उसे चैट से नोट कर लेंगे, ठीक है? तो अभी जिनके प्रश्न है वो कृपया चैट में अपने प्रश्नों को लिखते हैं।